उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा उत्सव उस दिन से शुरू होता है जब देश के बाकी हिस्सों में इस त्योहार का समापन होता है। लोग विजयदशमी के बाद 5 दिनों तक इस उत्सव को मनाते हैं और इस दौरान नाचते गाते और पूजा करते हैं। इस उत्सव का देवी दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के साथ समापन होता है। आयोजकों के मुताबिक वे भंडारे की व्यवस्था भी करते हैं और इस अवसर पर दूर दराज के इलाकों से आने वाले भक्तों के लिए रहने का इंतजाम भी करते हैं। यहाँ पे दशहरे से दुर्गा पूजा का प्रारंभ होता है, पूर्णमासी को यहाँ विसर्जन होता है, जबकि हर जगह दुर्गा पूजा समाप्त हो जाता है। भंडारा करते हैं, मतलब कि कैसे, कहाँ से ये मन में आया इस तरह से? ये जब दुर्गा पूजा चलता था तो पहले हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किया करते थे, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि जो गांव से दूर दराज से लोग आते हैं तो उनको खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था हो जाती थी और दूर आते थे, रात्रि भर यहाँ रहते थे, तो उसी समय हम लोगों के मन में आया कि कुछ ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए जिससे लोगों का पेट भरे। माँ दुर्गा की आराधना के 3 प्रकार हैं, 2 दिन का की आराधना, 9 दिन की आराधना और 14 दिन की आराधना। क्योंकि माँ के सारे स्वरूपों का दर्शन सुल्तानपुर में होता है, इसलिए 14 दिन की आराधना सुल्तानपुर जनपद के सारे भक्त और श्रद्धालु करते हैं और 14 दिन तक श्रद्धालुओं को माँ की भक्ति का लाभ मिले, पुण्य अर्जित हो, इसलिए जो है विसर्जन पूर्णिमा को होता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दशहरे से दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत 1959 में हुई थी। इस दौरान एक शख्स ने देवी दुर्गा की मूर्ति शहर के बीचों बीच में स्थापित की थी। धीरे धीरे उत्सव की शुरुआत होती गई और लोगों ने मूर्तियों को तैयार करने के लिए बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों से कारीगरों को बुलाना शुरू कर दिया। सुल्तानपुर के दुर्गा पूजा महोत्सव सन 1959 में यहाँ पर स्वर्गीय भिखारी लाल सोनी द्वारा 4 घंटाघर पर पहली प्रतिमा स्थापित की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके प्रत्येक वर्ष 2 प्रतिमा 4 प्रतिमा माँ के विभिन्न स्वरूपों को यहाँ पर स्थापित की गई है। पंडाल पर भव्य तरीके से पंडाल सजाए जाते हैं। हमारे यहाँ झारखंड और बंगाल से कारीगर आते हैं, बांस का पंडाल बड़ा बड़ा और देश के विभिन्न जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके आकार के पंडाल यहाँ पर बनते हैं। प्रशासन ने इस साल उत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार दुर्गा पूजा के लिए पुराना जो डेटा है उसके एनालिसिस करने के बाद भी डिफरेंट हॉटस्पॉट्स को चिन्हित किया गया है, मल्टीपल जोन और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। अराउंड 500 के आसपास एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉयड हो रहे हैं, 2 कंपनीज BSS अलग से हैं। इसके अलावा ड्रोन्स, सर्वेलेंस और बाकी चीज़ों की भी लगातार इस्तेमाल हो रही है। देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन बुधवार से शुरू होगा और अगले 3 दिनों तक लोग अपनी देवी की मूर्तियों का विसर्जन करेंगे।